Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do Understanding Marginalisation from Unit 4, Social and Political Life, Grade 8, CBSE. What does it mean to be socially marginalised? To be marginalised is said to be forced to occupy the sides or fringes and thus not to be at centre of things. मार्जिनलाइज का मतलब है कि जबरदस्ती आपको फोर्स किया जाए कि आप साइड्स या मार्जिन्स को भरो और ना कि सेंटर जो चीजों का है उसको. दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड. ये चीज आप लोगों में से कईयों ने एक्सपीरियंस भी करी होगी, चाहे आपका क्लासरूम हो या प्लेग्राउंड. इफ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास, दैट इज इफ योर टेस्ट इन म्यूजिक और फिल्म्स इज डिफरेंट, if your accent marks you out from others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers. अब कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आप उन लोगों में से नहीं हो जिसका म्यूजिक या फिल्म में टेस्ट थोड़ा सा सिमिलर हो. आप हो सकते हैं डिफरेंट टेस्ट रखते हो या आपका जो बोलने का तरीका है वो औरों से अलग हो. हो सकता है आप क्लास में कम बात करते हो या फिर आप जैसे और क्लासमेट्स आपके स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं आप उनको ना पसंद करते हो. आपका कपड़े पहनने का तरीका डिफरेंट है. ये सब बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं जो कि आपको अपने पीयर्स यानी अपने क्लासमेट्स के साथ इनमें नहीं रखते, यानी वो आपको अपने साथ रखना पसंद नहीं करते. So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel and think and how you act are not quite right or acceptable to others. इससे एक क्या फीलिंग जनरेट होती है कि आप उनके साथ नहीं हो, या ये आपको बहुत कहने पे सोचने पे मजबूर करता है कि आप जो है सही नहीं है या दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो रहे हैं. As in the classroom, in the social environment too, group of peoples or communities may have the experience of being excluded. अब ये खाली क्लासरूम की बात नहीं है, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भी ऐसा होता है कि कई ग्रुप्स हैं लोगों के या कम्युनिटीज के जिनको कि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि वो उनको सेपरेट रखा जाता है. Their marginalization can be because they speak a different language. अब ये किस वजह से हो सकता है, उनको इस तरह से बाहर क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है वो अलग भाषा में बात करते हो, follow different customs or belong to different religious groups. हो सकता है आपके customs अलग हो, आप different religious group को belong करते हो, from the majority community, जहाँ सब लोग एक ही चीज को follow कर रहे हैं, आप उससे थोड़ा सा अलग हैं. They may also feel marginalized because they are poor, considered to be of low social status and view as being less human than others. अब लोग क्यों और ज्यादा फील करते हैं कि वो अलग है या उनको बाहर दिखाया जा रहा है या उनको ऐसा फील करा जा रहा है कि आप सोसाइटी से अलग हैं? हो सकता है कि वो पुअर हो, लो सोशल स्टेटस के हो, या फिर औरों के जैसे उनको कम ह्यूमन समझा जा रहा है. समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर. कई बार इस तरह के जो ग्रुप्स है उनको लोग बहुत ज्यादा डर की निगाहों से भी देखते हैं. दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूशन लेड्स टू कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज and opportunities and in their inability to assert their rights. यही जो difference है या यही जो separation है कि बहुत सारी communities को जो है ना तो resources या opportunities जो भी है उनको proper मिलती है और साथ ही साथ उनको उनके जो हक है वो भी वो पूरी तरह से नहीं पा पाती है. They experience a sense of disadvantage and powerlessness, vice versa, more powerful and dominant sections of society who own land are wealthy, better educated and politically powerful. अब इन लोगों को क्या होता है, एक disadvantage experience करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कोई power नहीं है. जबकि दूसरी तरफ क्या है कि जो बहुत ज्यादा powerful या dominated sections है society के, जो over power होते हैं section society के, क्यों? उनके पास जमीन है, पैसा है, अच्छी qualification है और यहाँ तक कि वो politically काफी powerful है. Thus, marginalization is seldom experienced in one sphere. अब ये जो marginalization है, इसका experience खाली एक ही sphere में नहीं होता. Economic, social, cultural and political factors work together to make certain groups in society feel marginalized. अगर हम देखें, तो
इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, कल्चरली हो या फिर बहुत से पॉलिटिकल फैक्टर्स ऐसे हैं जो सारे के सारे एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर, इनको ऐसा फील होता है कि हमें थोड़ा सा एक्सक्लूड किया जा रहा है या साइडलाइन किया जा रहा है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट टू कम्युनिटीज दैट आर कंसिडर्ड टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड इन इंडिया टुडे। आज इस चैप्टर में हम ऐसी दो कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे जिनको पूरी तरह से सोशली एक्सक्लूडेड या मार्जिनलाइज्ड माना जाता है इंडिया के अंदर।